नमस्कार दोस्तों, देसाई ट्यूशन्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर सेकेंड हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन पार्ट टू फ्रॉम द सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड। आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाइए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता लगे। मेरे वीडियोस भरपूर शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पेज नंबर 11 पर हुआ था, अभी आगे देखते हैं। हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। नाउ अलॉन्ग विद राइटिंग द डायनास्टिक हिस्ट्रीज द कल्चरल सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्रीज वेर ऑल्सो बींग रिटन। देखिए, स्वतंत्रता के दौरान और स्वतंत्रता के बाद सिर्फ राजघरानों का इतिहास लिखने तक ही सीमित नहीं रहा, उसके बाद सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास भी लिखा जाने लगा। स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा बिगन टू फील द नीड ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, साइंसेस, इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कल्चरल एस्पेक्ट्स एट्सेट्रा। देखिए, कई सारे विषयों पर इतिहास लिखा जाने लगा, हिस्ट्री लिखे जाने लगे, जैसे अलग अलग समाज के, अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में इतिहास लिखा जाने लगा, अलग अलग विज्ञान, अलग अलग ज्ञान के बारे में इतिहास लिखा जाने लगा, इकोनॉमिक सिस्टम्स पर इतिहास लिखा जाने लगा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनैतिक विचारधाराओं पर, जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा, कैपिटलिस्ट विचारधारा वगैरह, अलग अलग विचारधाराओं पर इतिहास लिखा जाने लगा। कल्चरल एस्पेक्ट्स मतलब सामाजिक पहलुओं पर इतिहास लिखा जाने लगा। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दिस एरा हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय थ्री आइडियोलॉजिकल स्कूल्स, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबअल्टर्न हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री जो है वो मेनली कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर आधारित है। द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेर एट द सेंटर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। देखिए, पहले हमें पता है कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाते वक्त मैंने बोला था आपको कि कार्ल मार्क्स ने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है उसके ऊपर हैव्स और हैव नॉट्स के दो क्लासेस किए थे समाज के, और जमींदारों के पास इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जमीन हुआ करती थी, और वर्कर्स उनके पास काम करते थे। तो उसके ऊपर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रीज किसके पास है, जमीन किसके पास है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे है मतलब वर्कर्स के बीच में और इंडस्ट्रियल ओनर्स के बीच में कैसे रिलेशंस है, इसके बारे में इतिहास लिखा जाने लगा, उसे कहते हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। अकॉर्डिंगली टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज रिमेन्ड द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इसके अलावा छोटे छोटे सामाजिक घटनाओं की तरफ भी महत्वपूर्ण ध्यान देते समय ये महत्वपूर्ण थीम रही है, बेसिक थीम रही है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने पढ़ा, जाति व्यवस्था में कैसे बदलाव होते गए भारत में, उसके बारे में भी पढ़ते गए। अमंग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हु एडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, स्कॉलर्स लाइक दामोदर, धर्मानंद, कौसंबी, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये है दामोदर कौसंबी, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, रामशरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली। कॉमरेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। प्रीमेटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। उन्होंने, कॉमरेड डांगे ने एक किताब लिखी थी। कॉमरेड मतलब एक पदवी दी जाती है जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता होते हैं उनको कॉमरेड कहा जाता है। तो कॉमरेड डांगे ने प्रीमेटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी नाम की एक किताब लिखी थी। सब अल्टर्न हिस्ट्री मतलब जो समाज के सबसे निचले तबके के बारे में जो लिखा जाता है उसे कहते हैं सब अल्टर्न हिस्ट्री। द सीड्स ऑफ सब अल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में ही इसका ओरिजिन पाया जाता है। द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। जो सबसे निचले तबके के लोग हैं समाज में उनसे इतिहास लिखना शुरू होना चाहिए, ऐसा एंटोनियो ग्राम्स्की का मानना था। इन फैक्ट सबअल्टर्न मीन्स ऑफ द बॉटम मोस्ट रैंक्स
फोकलोर हैज बीन कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबअल्टर्न हिस्ट्रीज. फोकलोर मतलब लोक कथाएं, जो लोगों में कथाएं प्रचलित होती है, जो लोग एक दूसरे को बताते हैं कथाएं स्टोरीज, उसके द्वारा वो एक प्राइमरी सोर्स है सबअल्टर्न हिस्ट्री का. रंजीत गुहा एन इंडियन हिस्टोरियन प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग सबअल्टर्न हिस्ट्री एज एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. उन्होंने एक नई विचारधारा रखी हिस्टोरियोग्राफी की, सबअल्टर्न हिस्ट्री की, रंजीत गुहा ने. However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Sahib Ambedkar. Mahatma Jyotirao Phule और Baba Sahib Ambedkar ने भी इसी तरीके की विचारधारा रखी थी, subaltern ideology रखी थी इतिहास लिखने की, historiography के. Mahatma Phule unfolded the history of the Shudrati Shudra communities in his book गुलाम गिरी. देखिए शूद्राति शूद्र मतलब जो शूद्र और अति शूद्र है, मतलब जो सबसे निचला तबका है समाज का, उसके बारे में उन्होंने लिखा अपने गुलामगिरी नाम के पुस्तक में. ही ड्रीव अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन शूद्राज एंड अति शूद्राज डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन. धर्म के नाम पर जो शूद्राज अति शूद्राज और महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी. The term Shudra and Ati Shudra indicates the bottommost ranks in the caste system. The role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India. तो दलित कास्ट जो है, दलित जातियों के जो लोग हैं, उनके उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे देश के इतिहास में और संस्कृति में. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. लेकिन उनकी जो भूमिका है वो इतनी अधोरेखित नहीं हुई थी, वो उतनी हाईलाइट नहीं हुई थी कॉलोनियल और नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स द्वारा. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसके बारे में, शूद्र और अति शूद्रों के बारे में, दलितों के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी. टू ऑफ हिज बुक्स हु वेयर द शूद्राज एंड द अनटचेबल्स मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ सबअल्टर्न टाइप. ये दो किताबें जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, ये बहुत ही फेमस है. कौन सी? हु वेयर द शूद्राज एंड द अनटचेबल्स. फेमिनिस्ट हिस्ट्री ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वेयर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री. एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन निग्लेक्टेड. देखिए हमारे देश में कई सारा इतिहास का जो हिस्सा है वो पुरुषों द्वारा लिखा गया है, उसका उसके कारण क्या हुआ, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही निग्लेक्टेड रहा. टू हाईलाइट दिस फैक्ट वाज अ मेजर टास्क फेस्ड बाय अ फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस. स्त्रीवादी महिलावादी जो हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा लिखान किया जाने लगा. ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन. कंपाइल मतलब कलेक्ट एंड अरेंज, ठीक से अरेंज करना, कलेक्ट करना, ठीक से, उसे बोलते हैं कंपाइलेशन. द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन. तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने महिलाओं के बारे में जो भी इतिहास अवेलेबल था उसको कलेक्ट किया ठीक से और ठीक से अरेंज किया. इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन हिस्ट्री. Among women authors writing about women in the 19th century common era, Tarabai Shinde was the foremost one. तो ताराबाई शिंदे जो पहली वुमेन ऑथर थी 19th century में. She wrote attacking male dominated social system and the caste system. उन्होंने पुरुष प्रधान संस्कृति पर, मतलब पुरुषों का जो domination रहता था उसके ऊपर बहुत ही निंदा की, उसकी आलोचना की और caste system की भी आलोचना की. हर बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश्ड इन 1882 इज एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया. उनकी किताब स्त्री पुरुष तुलना, मतलब कंपैरिजन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ये उनकी किताब जो है वो पहली फेमिनिस्ट बुक, मतलब पहली स्त्रीवादी किताब मानी जाती है भारत की. इन 1888 द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई वॉज पब्लिश्ड एंटाइटल्ड द हाई कास्ट हिंदू वुमन. 1888 में पंडिता रमाबाई द्वारा किताब लिखी गई थी जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमन. द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू देम एट देयर
वर्क प्लेस, देयर राइट ऑफ राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी एटसेट्रा। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद कौन से महिलाओं के इश्यूज पर ध्यान दिया गया? एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो रोजगार है उसके ऊपर। ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस, उनको वो जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर उनको कैसी ट्रीटमेंट दी जाती है उसके ऊपर। देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी, उनके लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी लाना। अमंग द रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर, मीरा कोसंबीज बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री इज ऑफ इम्पॉर्टेंस। थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज, हिंदी में जिसे दहलीज कहते हैं ना, मतलब मराठी में जिसे उम्बरठा कहते हैं, दरवाजे की चौखट को उम्बरठा होता है ना, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड। तो क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स मतलब जो पहले महिलाओं को अपने घर की चौखट के बाहर निकालने की परमिशन नहीं थी, तो क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स मतलब चौखट के बाहर आना महिलाओं का, उसे कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। इट कंटेन्स एसेज ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रुखमाबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। तो ये पहली प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर है हमारे देश की, डॉक्टर रुखमाबाई। पहली डॉक्टर जो MBBS हुई थी जो वो है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। तो वो प्रैक्टिस करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो प्रैक्टिसिंग, पहली प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर जो है हमारे देश की वो डॉक्टर रुखमाबाई है। अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र। डॉक्टर शर्मिला रेगेज वर्क इज नोटवर्दी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। हर बुक राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज। तो महिलाओं, दलित महिलाओं के बारे में उन्होंने किताब लिखी थी इस नाम से, राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज। इंक्लूड्स हर एसेज ऑन ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन, महिलाओं, दलित महिलाओं के बारे में लिखा गया है। पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई वॉज अ मोमेंटस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। मराठी रियासत नाम की किताब उन्होंने पब्लिश की थी, किन्होंने? गोविंद सखाराम सरदेसाई जी ने। हिज वर्क बिकेम सो फेमस दैट द पीपल बिगेन टू एड्रेस हिम एज रियासतकार। उनका मराठी रियासत नाम का पुस्तक इतना फेमस हुआ था कि उन्हें रियासतकार, मतलब रियासत लिखने वाले रियासतकार, इस नाम से जाना जाने लगा। ही पब्लिश सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ मराठा हिस्ट्री, उन्होंने भी मराठा हिस्ट्री के बहुत सारी किताबें लिखी। ये भी ब्राह्मण थे और उन्होंने भी मराठा हिस्ट्री पर कई सारी किताबें लिखी। ये बात जान लीजिए कि पॉलिटिशियंस आज के ज़माने में अलग अलग कास्ट में हमें बांटना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग जातियों में झगड़े लगाए जाते हैं। तो इस उन पर ध्यान मत दीजिए, हमें सबको यूनाइट होकर हमारी समस्याओं को, जैसे गरीबी अशिक्षा, उनके खिलाफ लड़ना है। देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु रोट विदाउट एम्ब्रेसिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। ऐसे भी कई सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर नहीं लिखा। अमंग देम हिस्टोरियंस लाइक सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार जी एस सरदेसाई एंड त्र्यंबक शंकर शेजवळकर आर नोटवर्दी। इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फडके, रामचंद्र गुहा हैव एटसेट्रा हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आपको नाम सभी याद रखने हैं, यशवंत दिनकर फडके, रामचंद्र गुहा, ये सारे नाम। दस इट इज एविडेंट दैट द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी हैज बीन इन्फ्लुएंस ग्रेटली बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। इट सीम्स दैट सम पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वॉज ऑल्सो डेवलप्ड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज मूवमेंट्स। तो कई सारी हिस्टोरियोग्राफी सामाजिक और राजकीय मूवमेंट्स के अलावा भी लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए और मुझे भरपूर सब्सक्रिप्शंस दीजिए। थैंक यू।